हमारे पास जो अभी कॉन्सेप्ट है कि भाई कोई इस तरफ जाए कोई इस तरफ जाए, शॉर्टकट के चक्कर में है। शॉर्टकट के चक्कर में कुछ भी नहीं होता। आप थोड़ी सी अच्छी एक गाइडलाइन बना लें, उसके ऊपर आप चलना शुरू कर दें तो आप मेरे ख्याल में स्टेट से भी लोग ज़्यादा काम कर सकते हैं, अपने मुल्क के लिए, अपने इलाके के लिए, अपने गांव के लिए, अपने शहर के लिए। टैलेंट मौजूद है, सिर्फ जो है ना बहुत सारी चीज़ें इन्वेस्टमेंट से नहीं होती। अगर लगन है, अगर एक जुस्तजू है और आपको एक काम करने का तरीका है तो आप अपने लिए, अपने समाज के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। बुनियादी तौर पर शऊर डेवलप करने वाले वो इनफॉर्मल एजुकेशन सबसे ज़्यादा अहम किरदार अदा करती है। तो हमने सोचा क्यों ना कोई नर्सरी तो हम बना रहे हैं वो इन्वायरमेंट के एस्पेक्ट के हवाले से, तो हमने छोटी सी लाइब्रेरी जो है वो बना ली। खुद हमने जो है ना कुछ बुक्स खरीद कर लिए, दूसरे दोस्त जो है वो डोनेट कर रहे हैं ताकि वो वहाँ पर आके लोग जो है नौजवान आए के यहाँ पर पढ़ें। कोई कोई ऐसा आता है कोई, वो हमें कहते हैं कि आप पागल हो, और वो ये भी कहते हैं कि शायद आप कुछ वीक्स बाद ये बंद कर दें, आपको इसका रिस्पांस ना मिले। मगर जब आज 10 से 15 हफ्ते गुजर चुके हैं ना, तब उनको जाके पता चला है कि हाँ यार ये तो सही थे उस टाइम, हम गलत थे। एक दिलचस्प आपको बात बताऊं, एक बंदा आया था यहाँ पर, वो बुक्स को देख के कह रहा था ये तस्वीरें हैं क्या? तो हमने कहा नहीं ये तस्वीरें नहीं है, ये बुक्स है। तो उसने कहा ये बुक्स क्या होती हैं? आप अंदाजा लगाएं कि हमारी सोसाइटी के बहुत सारे लोग किस स्टेज पे खड़े हुए हैं तालीम के हवाले से। सुकरात तो मर गया, अलामा इकबाल तो हमारे पास है नहीं, अफलातून तो हमारे पास है नहीं, सचल सरमस तो हमारे पास है नहीं। इसलिए हम नौजवानों को कह रहे हैं कि भाई आओ अफलातून से भी मिलो, आओ शाह लतीफ़ से भी मिलो, आओ बाबा भले शाह से भी मिलो, आओ हमारे बहुत सारे इंटेलेक्चुअल हैं उनसे भी आके मिलो, वो आपको किताबों की शक्ल में मिलेंगे। और ये किताब हमने यहाँ पर रख दी है। लेकिन मोटरसाइकिल पे आज बड़े शौक से टाइम निकाल कर हम यहाँ हैं ताकि अपनी जो है चॉइस की किताब यहाँ तलाश करें। पैसे चलाने वाले जो धराड़ वगैरह होते हैं वो भी यहाँ किताब आके पढ़ते हैं, तो ये हमारे को बहुत खुशी हुई है कि यहाँ का जो माहौल है, और यहाँ से एक बड़ी सड़क भी जा रही है। देखते हैं हम हिंदू मदद के हैं तो हमारी किताब चाहिए। और लोगों की जो दिलचस्पी हम देखते हैं ना, यकीनन हमें बहुत खुशी होती है। हम कहते हैं कि आलमिया ने हमें ये काम करने के लिए शायद भेजा था, जब तक ज़िंदगी है हम चलाए ये काम करते रहेंगे। एक एक गली में से 5 लोग अगर मिल जाएं, एक गांव से 5 लोग मिल जाएं, तो मेरे ख्याल में हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अपने एक गली को साफ भी कर सकते हैं, एक गली में पौधे भी उगा सकते हैं, एक गली में छोटी सी लाइब्रेरी भी कायम कर सकते हैं, एक गली में कोई बच्चा पढ़ता नहीं है तो उसकी मदद भी कर सकते हैं। इस तरह से हर गली में अगर अच्छा होना शुरू हो गया, हर शहर में अच्छा होना शुरू हो गया हमारी वजह से, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम कहाँ पहुँच जाएंगे, हमारा मुल्क कितना खूबसूरत बन जाएगा।